वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज काफी दिनों से ना डैड की तबीयत खराब चल रही थी। आज सुबह सुबह पता चला कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। मैं इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑफिस वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है, दे आर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने भी बोला है कि फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है। एक्चुअली मैं ना अपने डैड से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, सो उनको कुछ भी होता है ना तो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट मुझे होता है। सफ़र जो है ना पूरी फैमिली करती है, इफेक्ट सबको होता है लेकिन मुझे ज़्यादा फील होता है डैड के लिए। उनको कुछ भी होता है ना तो उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है एंड आई फील इट कि ही नीड्स मी। थैंक यू सो मच। सो उस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ। लास्ट टाइम भी मेरी डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। 2022 जो है ना बहुत ज़्यादा रफ था हम लोगों के लिए। उस टाइम में भी मुझे जाना पड़ा था और डैड को ठीक किया था। दैट वॉज सच अ डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। तो अभी वापस से जा रहा हूँ मैं एंड जा करके देखते हैं सिचुएशन कैसी है। डैड का वेट डे बाय डे बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता चला गया है। अभी आई एम सो वरीड अबाउट हिम। आई नो कि पूरी फैमिली वहाँ पे है लेकिन स्टिल मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल रात में मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा लिफ्ट के पास भाभी भी पहुँची थी। और राइट साइड से डैड और मॉम आ रहे थे। क्या होता है ये घसीट रही हो? फिर पापा ने मुझे देखा, मुझे देखकर हल्की सी स्माइल की उन्होंने। उसके बाद से वो मेरी तरफ आने लग गए। जितनी उनके पास जितनी एनर्जी बची थी ना उसी में वो कोशिश कर रहे थे मेरे पास आए, धीरे धीरे आ रहे थे और मैं तो देखता ही रह गया कि मतलब ये क्या हो रहा है यार। चलो ये सामान उठाओ। ग्राउंड करो, ग्राउंड। मम्मी कह दी रही मारने का नहीं। इसको कैसे पता था कि चलो आओ भाई कहाँ पे? जब देखा उनको तब जा कर के थोड़ी तसल्ली मिली कि यार कम से कम डैड को देख तो लिया मैंने, ही इज वॉकिंग एंड ऑल। उसके बाद से फिर घर में पहुँचे, फिर कंपाउंडर भी आया हुआ था, आईवी के थ्रू उसको इंजेक्शन वगैरह देना था। इतने में भाई पहुँचा। मैं तो भाई का कितना बोलूँगा कि यार उसने जितना सेक्रीफाइस किया ना अपने लाइफ को पापा के लिए, ही लेफ्ट हिज जॉब जस्ट टू सी माई फादर। बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कि ऐसे ही इज़ एल्डर देन मी, पापा के लिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी कि भाई फादर को ज़्यादा टाइम दे सके। बिकॉज पापा के पास ना कोई हमेशा रहना चाहिए उनको मॉनिटर करने के लिए अभी के टाइम में, बिकॉज़
होता क्या है कि इमोशन में आकर के ना इनका डाइट फूड सबसे ज्यादा बिगड़ जाता है। मेरे पापा, मैं, दादाजी, हम तीनों में ना एक चीज है, दूध ना डाइजेस्ट नहीं होता है। और स्पेशली जो हैवी चीजें होती हैं जैसे कि दूध हो गया और मैदा हो गया, ये सब चीजें डाइजेस्ट नहीं होती है। तो पास्ता बनाया था तो पापा ने जो है बहुत बड़ा चाव से खा लिया। उसके बाद जो तबीयत इनकी ड्रॉप हुई है, अभी तक वो ठीक नहीं हुए हैं। हर गलती किसी की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमोशन की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। अभी क्या है, इनको हम लोग रिकवर कर रहे हैं। कल हॉस्पिटल से आए, वो आज सेकेंड डे है। अभी काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं वो। खाना वगैरह टाइम पे हो गया इनका, दवाई वगैरह बिल्कुल टाइम पे, टाइम टू टाइम हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि जितना साफ़ सफाई हो सके उतना रखें। एंड बस यही सब बात है, आगे देखते हैं कैसा रहता है इनका। बाकी अपडेट करते रहेंगे। आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं। प्लीज़ 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 मेरे डैड के लिए आप प्रे करते रहिए। आई होप जल्दी पापा ठीक हो जाएंगे।